अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्तो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परम पूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। आज गुरुवार, आज सतगुरु का दिन, सतगुरु के परिक्रमा का दिन। मेरी त्रिकंड में परिक्रमा होती, भक्तों हम देखते हैं गिश के हृदय में सद्गुरु के प्रति अनन्य शरण भाव से ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज के दिन बैठे है अदम्बर के तल, ऊर्जा प्रदान करने के प्रयोजन से हम बैठे हैं। कृष्ण पंचगंगा के तट पर भक्तों के कल्याण करने के प्रयोजन से हम बैठे हैं। भीमा अमरजा तट पर भक्तों की सारी भव्यता नष्ट करने के प्रयोजन से हम बैठे हैं। पिठापुर में सारे भक्तों के दुख समस्या निवारण करने के लिए हम बैठे हैं। गुरु को बैठ चारों तरफ कृष्णा गोदावरी संगम का पवित्र जल बह रहा है। हम बैठे हैं उसके मध्यस्थ स्थान पर, भक्त वत्सल बन के बैठे हैं महापुरगढ़ में। जो भक्त आएगा उसकी सारी व्यथा, उसका सारा दुख दूर करते हुए इसे निर्देश देंगे। हम योग के पथ पर चलने के लिए हमें सिस्तार को पथ दिखाया, क्षात्र धर्म हमने दिखाया था, नहीं दिखाया परशुराम को धनुर्विद्या, मेरे ही शिव स्वरूप ने अध्यापन की थी। हम बैठे हैं गिरि पर्वत, हम बैठे रमे भिक्षा माने ही। कौन सा भक्त किस भाव से भिक्षा प्रदान करता देखते हैं। किंतु हमारा प्रत्यक्ष स्थान हमारे भक्तों के हृदय में है, जान जाओ। मेरे चरण स्पर्श इसी हृदय लगते हैं। ऐसे मेरा गुरुतत्व अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है,
सत्स्वरूप है, चैतन्यमय है, आनंददायक है, स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, प्रसन्नता प्रदान, ज्ञान प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य जैसे भाव अपने हृदय में धारण करेगा, वैसे मनीषा वैशेषणा हम परिपूर्ण करते हैं। हम यहाँ है, हम वहाँ है, हम प्रत्येक कर्म रेणु में है। बाबा पहचान ज्ञान की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि, विश्वास की दृष्टि, यद्यपि धारण करते हो पग पग पर बारा दर्शन होगा, अड़रेणु में सहस्त्र कोटि की ऊर्जा भरी हुई है। ये मेरा ही अधिष्ठान, मेरी ही अभिव्यक्ति, मेरा ही आविष्कार अनंत काल से चल रहा है। स्वामी चरित्र के विषय पर प्रबोधन चल रहे हैं, जिसमें हमने गत गुरुवार सद्गुरु आविष्कार के चरित्र की व्याख्या की। हमने चरित्र इस शब्द का मूल तत्व रहस्य बताया था। चरित्र एक तत्व रहस्य का आविष्कार है। चरित्र कोई जन्म तथा समाधि का काल वर्णन नहीं। हमने अवश्य बताया था, स्मरण करो, ऋषि आविष्कार के बारे में हमने अत्रि ऋषि के गुरुपीठ का तत्व रहस्य हमारे भक्तों को अवगत कराया था। अत्रि त्रिगुण के प्रभाव से रहित प्रकृति के क्रिया प्रक्रिया से संपूर्णतः साक्षित्व रखने वाले महापुरुष परब्रह्म परमेश्वर से एक रूप अखंड तपस्या में लगे हुए अनुष्ठान से परिपूर्ण ब्रह्म कर्म में अविरत अखंडता से कार्यरत तीनों लोक के कल्याण के प्रयोजन से अनुष्ठान अखंडता से चलाने वाले अत्रि, हमने विस्तार से कहा गुरुपीठ के प्रयोजन से त्रिगुण का प्रभाव शून्यत्व जिसे प्राप्त हुआ अत्रि पंच महाभूतों पर संपूर्ण प्रभुत्व रखने वाले अत्रि रोम रोम में सत्वरो के आविष्कार की ईषणा रखने वाले अत्रि तथा उनकी धर्म पत्नी असूया रहित अनसूया त्रिखंड पर जिसका विशेष प्रभाव है
ऐसी पतिव्रता अनुसया केवल सेवा भाव से त्रिखंड में जिसका प्रभाव भूलोक ज्योलोक स्वर्गलोक तीनों लोक जो अनुसया माता के चरण पर शरण जाते हैं, ऐसी माता अनुसया इतना श्रेष्ठ पद प्राप्त के कारण ही जो स्वयं अनुसया है किंतु अन्य स्त्रियों के असूया के कारण हो गई, श्रेष्ठत्व के कारण गुरुत्व के कारण इसी के कारण रमा सावित्री पार्वती के कहने पर तीनों देव आश्रम पर सत्य परीक्षा लेने के प्रयोजन से आए थे, जो स्वयं जानते थे अवश्य इस सद्गुरु पीठ स्थापन करने का ही ये समय है। त्रिकाल दर्शी शिव शंभो स्वयं आदि गुरु पतिव्रता के सम्मुख सत्व परीक्षा के केवल निमित्त मात्र कारण से पुत्र की इच्छा प्राप्त स्वयं पुत्र बनते हुए माता अनुसया को मातृत्व प्रदान करते हुए चतुर्विश पालन करता स्वयं बाल भाव धारण करते हुए मातृत्व प्रदान करते अनुसया माता विधि के अधिष्ठाता विधि विधान के सर्व प्रमुख सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा अनुसया के सम्मुख बाल भाव निर्माण करने के लिए व्यवस्थे ऋषि के चरण का तीर्थ अनुसया माता अखंड स्वयं के साथ रखती थी। जैसे ही अतिथि का सत्कार होता वैसे स्वयं को बालक रूप में केवल सती ही ला सकती है ये भलीभांति जानने वाले तीनों देव जब अन्न ग्रहण करने लिए वस्त्रहीन होते हुए आव आग्रह करते हैं, ये रहस्य है। सती जो परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति का रूप है, जैसे ही पति का स्मरण करते हुए उनके ही तीर्थ का प्रक्षोभन तीनों देव पर किया, वैसे तीनों बालक रूप धारण करते हुए माता के सम्मुख क्रंदन करने लगे। ये बड़ी अजीब लीला है बाबा, गुरुपीठ स्थापन करने की प्रक्रिया पालनहार बालक बने आदि शिव शंकर बालक बने विधि विधान सृष्टिकर्ता सृजन
ऐसी अचंबा करने वाली बात हो गई। गुरुपीठ पालनहार जब तक भाल भाव में नहीं आएंगे, प्रत्यक्ष आदि को अजन्मा अनंत स्वयं बाल भाव में जब तक ना आएंगे, विधि विधान करने वाले प्रत्यक्ष सर्वप्रथम जीव अत्यंत वृद्ध बालक भाव में बालक होते हुए जब तक नहीं आएंगे, तब तक गुरुपीठ स्थापन होना संभव है। बाल भाव यही परब्रह्म भाव है, यही ब्रह्म भाव है। तीनों को वात्सल्य से दुग्ध देते हुए माता तथा पुत्र ये पवित्र कार्य चल रहा था। तब प्रकृति स्वरूप लक्ष्मी माता रमा, शक्ति स्वरूप पार्वती, माया स्वरूप सवित्री, माया प्रकृति तथा शक्ति तीनों जब सती के सम्मुख अपने पतियों को ढूंढने के लिए आते हैं, तब बड़ी परीक्षा होती है तीनों भी पतियों के कारण, जो पवित्र है, जो असूया रहित है, जो पतिव्रता है, उसका प्रभाव त्रिखंड में इतना होता है कि प्रकृति उसे प्रभावित नहीं कर सकती, शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकती, माया उसे भ्रमित नहीं कर सकती। वो तीनों भी स्वयं भ्रमित हुए, यही मेरी लीला है, यही मेरा चरित्र का आरंभ। मैं चाहूं तो शक्ति को भ्रमित करूं, मैं चाहूं तो माया को भ्रमित कर दूं, मैं चाहूं तो प्रकृति का चक्र जैसे चाहे वैसे चलाऊं, मैं चाहूं तो स्वयं बाल भाव में पिशाच भाव में जाऊं, मैं चाहूं तो सती को माता का पद प्रदान करूं, मैं चाहूं जिस मेरी लीला है बाबा, मेरे भक्त अत्रि ऋषि का तपस्या का परिणाम मेरा आविष्कार है। जब प्रकृति के प्रभाव से शून्य मुनीश्वर तपस्या से परिपूर्ण होते हुए असूया रहित पतिव्रता के साथ तपस्या होती है, तब जो सृजन होगा उसे ही गुरुपीठ कहते हैं। नानुस्यात्रि संभूतो दत्तात्रेयो दिगंबरः स्मरतुगामी स्वभक्तानां उद्धरतां भवसंकटात्। जहां आत्रि ऋषि है, जहां अनुसया जैसी पतिव्रता सती है, वहां दत्तात्रेय अवश्य आते हैं। जिस मेरा कार्य है
और मैं पिता का स्थान देता हूँ, मेरे भक्त को मैं माता का स्थान देता हूँ। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति ब्रह्म माया तीनों पर मेरा प्रभाव है। यही मेरा प्रथम आविष्कार है, जहां ब्रह्मदेव की सृजनता है, जहां चतुर्भुज विष्णु के पालन हार अधिष्ठान है, जहां शिव आदि गुरु आदिनाथ सारे भ्रम का लय करने वाला श्रेष्ठतम गुरु का स्थान है, वहां स्वामी समर्थ है बाबा। ये मेरा प्रथम आविष्कार, सारे जगत के जीव के कल्याण के प्रयोजन से उद्भव हुआ। तीनों स्त्रियां बड़ी भ्रमित हुई, तब सात माता अनुसया ने अत्रि ऋषि के अनुष्ठान का तीर्थ का प्रक्षोपण बालक पर किया। तीनों देव चैतन्य प्राप्त करते हुए जागृत हुए, तीनों देवों का दर्शन हुआ। तत्पश्चात तीनों अपनी माता से नमन करते हुए आज्ञा के बारे में पूछने लगे। तब चतुर्भुज विष्णु पुत्र रूप में अखंडता से अनुसया ने स्वयं के साथ रहने के लिए कहा। ब्रह्मदेव सृष्टि सृजन कार्य में अखंड कार्य करते रहे, इसके कारण अंतरिक्ष में उन्हें चंद्र के रूप में भेजते हुए उनके ब्रह्मलोक में उन्हें जाने की आज्ञा की। तदपश्चात आदिनाथ शिव गुरु दुर्वास मुनि के रूप में आविष्कृत होते हुए घने जंगल में अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात केवल एकमात्र विष्णुदत्त जो एक मुख के दत्त है, जो अखंड ब्रह्मचारी है, जो अनुसया माता की अखंड सेवा करते हैं, वही दत्त वही विष्णुदत्त वही मैं हूं, यही मेरा सर्वप्रथम आविष्कार, यहां से मेरा चरित्र प्रारंभ हुआ। आने वाले गुरुवार से प्रत्यक्ष चरित्र की घटनाएं हम विस्तार से रहस्य तत्व के साथ कथन करेंगे। सदैव कल्याण हो जाए मेरे भक्तों का। अभी हम स्थित होते हैं।